ओके, फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स इन वर्कशीट, देन आई विल टेक अ क्लास टेस्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स आउट ऑफ द वेसल व्हेन द वाटर इनसाइड इट बॉइल. मतलब इसका मतलब क्या है, जब वाटर बॉइल होता है तो क्या बाहर आता है, कौन सा फॉर्म बाहर आता है. स्टीम इज कम्स आउट व्हेन वाटर बॉइल. सो द आंसर इज steam is comes out when water boils. Write this answer. Because हमें क्लास टेस्ट भी लेना है ना, इसलिए कंप्लीट कीजिए. सॉरी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हो. ओके, डन. सो योर सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज स्टीम. यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन. हाँ, सो सेकेंड क्वेश्चन है वॉट इज वॉटर वेपर और वॉट इज स्टीम. ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको कट कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन को कट कीजिए, थर्ड हम लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है. So what is steam? The vapor formed when water boils is called steam. Second one cut कीजिए, because second one and third one का question same है वो दोनों. ओके, वेरी गुड. सो योर थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. व्हाई डू यू कीप अ ट्रे ऑफ वाटर इन द फ्रीजर. हम फ्रीजर में वाटर को क्यों रखते हैं. ओके, सो द आंसर इज वाटर इज अ लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, बट व्हेन इट इज केप्ट इन अ डीप फ्रीजर इट चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. जब ऑर्डिनरी रहता है वाटर, वो कौन से फॉर्म में रहता है, वाटर फॉर्म में रहता है. आइस, क्लियर. ये आंसर कंप्लीट कीजिए, फिर हम क्लास टेस्ट लेंगे बोर्ड के थ्रू. दिस इज फर्स्ट आंसर, दिस इज सेकेंड आंसर एंड दिस इज लॉन्ग आंसर. सेकेंड आंसर एंड थर्ड आंसर आर बोथ सेम, सो आई कट दिस आंसर. सो वी राइट दिस आंसर ओनली. ओके, आप ये कंप्लीट कीजिए तो मैं क्लास टेस्ट ले सकती हूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न क्लास टेस्ट ऑन द बोर्ड. फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस, देन वी विल स्टार्ट दैट. ओके,
steam is comes out when water boils. This is first answer. The vapor formed when water boils is called steam. This is the second answer. And water is a liquid under ordinary conditions, but when it is kept in a deep freezer, it changes into ice at 0 degrees Celsius. Completed, sabka complete ho gaya worksheet ka work. तो मैं टेस्ट लेना शुरू करूंगी. अभी सिर्फ अंश का कंप्लीट हुआ है वर्कशीट. ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स है, उसमें एक ही अभी कंप्लीट किए हैं. बाकी लोग, आप लोग अभी तक लिख रहे हो? तो सॉरी, बीच बीच में मेरा नेटवर्क बंद हो रहा है, इसलिए जिन लोगों ने भी कंप्लीट किया है वर्क, प्लीज बोलिए. वेरी गुड युग, वेरी गुड वृंदा, वेरी गुड पलक. बेटा जिनका डन नहीं है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वेरी गुड सिया. तो अभी हम क्लास टेस्ट लेने वाले हैं, इसीलिए क्लास टेस्ट थोड़ा बड़ा है. ओके, क्लास टेस्ट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है. ओके, मैं वहां पे जा रही हूँ बोर्ड वर्क दिखाने के लिए. ओके, सबको दिख रहा है बोर्ड वर्क? ओके,
सॉरी नेटवर्क इश्यू है तो बोर्ड वर्क नहीं हो रहा है. मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ आपको, स्क्रीन शेयरिंग से हम काम करेंगे. ओके स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग से हम वर्क करेंगे. ओके आई एम गोइंग टू शेयर यू स्क्रीन, तो वो देख के आपको टेस्ट लिखना है. ओके सी दिस इज योर टुडेज वर्क क्लास टेस्ट. ये कंप्लीट कीजिए बच्चों, इट्स ऑलरेडी 8:07. सो फर्स्ट वन, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वॉटर. चूज ओनली वन राइट आंसर. देर आर फोर ऑप्शन, आइस, वॉटर, वॉटर वेपर एंड ग्लास. सेकेंड वन, वेन वॉटर इज हीटेड इट फॉर्म्स. So the your options are ice, snow, steam, clouds. Your third question is, this is added to drinks to make them cool. हम summer में अपने drinks को cold करने के लिए क्या use करते हैं? So your options are water vapor, ice, steam या water. Our fourth question is, water vapor rises in the air to form. So your options are rain, clouds, snow, or steam. ये देखिए ये क्लियर लग रहा है. सो कंप्लीट योर वर्क देन शो मी योर वर्क. ओके ये 4 marks का टेस्ट है. ईच क्वेश्चन हैज 1 mark. सो इट्स ऑलरेडी 8:10. वी हैव 20 minutes. सो कंप्लीट दिस वर्क विद इन 20 minutes. ओके
कंप्लीट योर वर्क. नहीं अभी नहीं लिखा किसी ने. कहाँ लिखा है? मैंने तो ओपन ही नहीं किया अभी. कंप्लीट योर वर्क. ईवीएस के लिए ज्यादा दो बेटा, फेस मेरा बड़ा रहता है. नहीं नहीं उसे लिखवा, कोई बात नहीं. फोर लाइन ठीक है क्योंकि इतना बड़ा रहता है ना, टेस्ट प्लस क्लास वर्क. कंप्लीट योर वर्क. those who are remaining to write worksheet work, I will send pic in WhatsApp group. Okay, those who are remaining to write question answers in worksheet, I will send pic. Okay, you have to complete that work at home. Okay. Done. Shake it.
सबका वर्क कंप्लीट हुआ बेटा? हैव यू ऑल डन योर वर्क? ओके, हु इज रिमेनिंग? वेरी गुड वृंदा, वेरी गुड आयुष, नेक्स्ट वेरी गुड ज्योत, वेरी गुड वृंदा, आयुष मैंने आपका देखा, ज्योत वेरी गुड ज्योत, नेक्स्ट शो मी योर वर्क, इट्स ऑलरेडी 8:21, कंप्लीट योर वर्क, वेरी गुड हीरवा, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल आर राइट आंसर, जिन्होंने अभी दिखाया हिरवा, वृंदा, आयुष और ज्योत, सबका आंसर सही है, तो सबको 4 out of 4 मार्क्स दे रही हूँ, अपने आप लिख लीजिए, मैं यहाँ से नहीं दे सकती, तो 4 out of 4 यू ऑल गेट 4 marks, ओके? वेरी गुड एवरीवन, give it yourself, okay? Thank you.
कंप्लीट योर वर्क एंड शो मी योर नोटबुक. किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, चार लोगों ने सिर्फ दिखाया. हिरवा, वृंदा, आयुष, ओके विधि, वेरी गुड. पलक, वेरी गुड बेटा. और किसका बाकी है? देखिए, अभी मैंने वर्कशीट में पहले क्लास वर्क कराई थी, फिर क्लास टेस्ट लिया. अगर किसी ने, किसी का वर्क डन नहीं है तो, किसी का वर्क डन नहीं है तो मैं उनको स्क्रीन सेंड करूंगी व्हाट्सएप में. ओके, मैं व्हाट्सएप में फोटो सेंड करूंगी वर्कशीट का, और जो आज क्लास टेस्ट हुआ है वो, जिनका वर्क डन नहीं है उनको मैं सेंड कर रही हूँ. ओके, आर्णव आपका कैमरा ऑन है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है. नो इश्यू, सेंड मी फोटोज. ओके, किसी का कैमरा ऑन होता है तो नहीं होता है, नेटवर्क इश्यू रहता है, तो इसीलिए नो वरी. ओके, इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है. जिनका कैमरा ऑन था उनका देख लिया मैंने. ओके, जिनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है वो मुझे फोटो सेंड कीजिए, ठीक है ना. सी, मैं अभी आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ. से फर्स्ट वन क्या था? दिस बिकॉज दीज आर आइस, वॉटर, वॉटर वेपर आर फॉर्म्स ऑफ वॉटर. ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वॉटर है, सिर्फ ग्लास अलग वर्ड है, उसको हम आउट कर दिया. ओके, सेकेंड, वेन वॉटर इज हीटेड इट फॉर्म्स. जब वॉटर हीट होता है तो कौन सा फॉर्म में चेंज हो जाता है? योर ऑप्शंस आर आइस, स्नो, स्टीम, क्लाउड्स. सो आपका आंसर क्या रहेगा?